कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सामने से आ रही सपा के झंडे लगी गाड़ियों पर बीजेपी समर्थक ताबड़तोड़ पथराव कर रहे हैं। वहीं इस दौरान एक गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा पथराव जारी रहता है। ये देखिए ये हो रहा है ये देखिए गाड़ियाँ, ये देखिए हट जा भैया, हट जा सामने सर, ये देखिए हमला, एक गाड़ी देखिए, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की। दरअसल पूर्व मंत्री और सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य बीते मंगलवार को गोटरिया में रोड शो कर रहे थे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का लंबा हुजूम साथ था। गोडरिया में रोड शो के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब भाजपा प्रत्याशी का काफिला सामने से गुजर रहा था। सपा और भाजपा का काफिला आमने सामने आ गया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि उनके काफिले पर भाजपा ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी समर्थक अंधाधुंध पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हमला, एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। वहीं इस पत्थरबाजी में सपा के कई कार्यकर्ता और समर्थकों को चोटें भी आई हैं। घटना की जानकारी होते ही घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और स्थिति का जायजा लेने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। इस मामले को लेकर सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा समेत 18 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।